12 दिनों की नौ यात्रा पटना के गांधी घाट से शुरू हुई और भागलपुर तक जाएगी 28 को, और आज है 25 तारीख और हम लोग हैं मुंगेर में। मुंगेर का ये घाट है क्या, सोजी घाट पे हैं हम, और मौसम ने थोड़ा सा अंगड़ाई ली है, यानी मौसम जो है वो थोड़ा सा बारिश वाला हो गया है, थोड़ा बारिश हो रही है, लेकिन नाव की यात्रा में यात्रा को रोकते नहीं है। बारिश हो तूफान हो उसका सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो इंतजार है अभी आज की यात्रा शुरू होने का, और अभी बच्चे थोड़ा इंतजार कर रहे हैं फ्लैग ऑफ के लिए। सो दिस इज ये कि तो नौ की यात्रा में धूप भी है, छांव भी है, अंधेरा भी है और उजाला भी है और बारिश भी है। रोमांस भी है। ये है मुंगेर को करण से जोड़ा जाता है कि करण का किला यही था। करण जो थे वो सोना दान यही किया करते थे, और जो गंगा नहाते थे, गंगा नहाने के बाद वो सोने का दान किया करते थे वो। सो ये है करण की धरती पे हैं हम लोग, सोजी घाट है ये, और तीन दिन की यात्रा इनकी और बची है। सो मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। जो सही में काम होता है वो चुपचाप से ही काम होता रहता है। भारत में भी कई तरह के काम चल रहे हैं जो जिसको मतलब आम लोगों की नजर से दूर है, लेकिन लोग लगे हुए हैं अपना काम कर रहे हैं। जैसे ये नाविक एनसीसी नेवी के कैडेट, हाँ, एंड हम ये जरूर बोलना चाहेंगे कि बच्चे जो इतने उत्साहित हैं और किसी ने भी कंप्लेन नहीं किया है कि बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत गर्मी है, धूप है, बारिश है, बारिश अब बारिश भी आ गई, तो बारिश तो हमेशा यदि धूप के बाद यदि बारिश मिले तो वो अलग ही अंदर से जो खुशी देती है वो है। हाँ, लेकिन ऑडियो बंद करना ना दो मिनट के लिए। अच्छा, लेकिन नाव में बारिश हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेज हवा नहीं चलनी चाहिए, तेज हवा नहीं चलनी चाहिए। अच्छा, अच्छा, वही है जो कि नाव को डिस्टेबलाइज कर सकती है, अदरवाइज बारिश हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब झमाझम बारिश ना हो, मूसलाधार बारिश ना हो कि आगे दिखे ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, विजिबिलिटी होना चाहिए, और हल्की हल्की बारिश है और भी मजा है, लेकिन हाँ विंड नहीं होना चाहिए। यदि विंड हो जाता है तो वो नाव विंड के ऊपर आ जाता है और विंड जहां ले जाए वो विंड के साथ जाता है। तो एक बस वही हम मनाते हैं रास्ते में कि तेज हवाएं ना चलें, अदरवाइज हल्की हल्की बारिश है, बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम, बच्चे जो पुलिंग करते हैं पतवार से उनको तो मजा आ जाएगा तैरने में, और जितना रोमांचक इनका अभी तक का सफर रहा है ये यदि आप कैडेट से ही पूछेंगे तो वो बताएंगे कि क्या मजा आया इनको, जगह जगह रुक के वहाँ पर इन्होंने नुक्कड़ नाटक किया है, वहाँ जितने भी अपने पॉलिसीज हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नशा मुक्त, ये सब नुक्कड़ नाटक उन्होंने किया है, जगह जगह जाके
वहाँ के जितने भी ग्रामीण लोग हैं उनको बताया है, समझाया है, तो ये करते हुए आ रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है ना कि जल मार्ग जो है, आपका जल मार्ग जितना स्ट्रांग होगा, आज भी पूरी दुनिया में जो भी मालवाहक जहाज हैं, वही बेसिकली वही सोर्सेज हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के, एकदम एकदम, और वो पूरी इकोनॉमी पे असर पड़ता है उसका। हमारे प्राचीन एंशियंट इंडिया में यही एक माध्यम था जिसके थ्रू माल इधर से उधर लेके जाया जाता था, और जैसे जैसे रोड का डेवलपमेंट हुआ है इस पर ध्यान नहीं गया है, इसको हमें उस लेवल पर ले जाना पड़ेगा। ये सबसे अच्छा और सस्ता माध्यम है, सबसे अच्छा सबसे सस्ता, और एक चीज और है कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये सबसे बेस्ट है। ये भी आप सही बता रहे हो कि पर्यावरण को समझने, बचाने और रिवर को हमारे जिंदा रखने के लिए इसका उपयोग इस ढंग से करना बहुत जरूरी है। और ये विंड का इस्तेमाल करते हैं आप, हैं? हवा को मॉर्निंग सर, मॉर्निंग मैम। कल हवा चल रही थी ना? यस सर। लास्ट में तो हवा चलती है तो स्पीड अच्छा हो जाता है। यस सर। कोई दिक्कत और? नो सर। हेल्थ का? नो सर। बस अब तो कितना है, एक स्टॉप और दो स्टॉप और? वेरी गुड। ये याद रहेगा कि 250 किलोमीटर तुम लोग चला के गंगा नदी में, लोग डुबकी लगाने के लिए परेशान रहता है, तुम लोग 250 किलोमीटर गंगा नदी में तैर गए। और अगर कोई अकेला बंदा चाहे भी तो ये इज नॉट पॉसिबल कि 250 किलोमीटर गंगा में सफर कर रही, बहुत मतलब मुझे लगता है कि इससे बड़ा तो काम हो ही नहीं सकता। और जो वाटर रूट है जिसको हम लोग भूल गए हैं। हाँ, तुम लोग का चेहरा क्यों ऐसे आज उदास उदास है, बहुत सुबह से उठा हुआ है, तो इतना बड़ा काम के सबको मुस्कुराना चाहिए।